ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर है 17, 18 और 19। आते हैं पहले 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? LHS है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और RHS लाना है 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखे, इसमें कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और बाटा में है 1 प्लस साइन थीटा। अब हरों का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे जो चिन्ह रहता है बाटा में, तो उसका चिन्ह का विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बाटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा साइन a स्क्वायर और b स्क्वायर के बदले क्या है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इस तरह से तो लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम है, ठीक है। और गुना करेंगे तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसका पावर 1 और इसका पावर 1 गुना करेंगे तो क्या होता है, जब बेस समान रहता है, ठीक है, बेस जब सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो पावर ऐड कर देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, और वहां भी देखते चलेंगे कि मेरा RHS लाना कितना, ठीक है। तो ये RHS में 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो ऊपर में तो मिल गया मेरा RHS का मान, लेकिन नीचे में क्या करना है, नीचे में तो कॉस लाना है। अब क्या करेंगे, ये जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, साइन 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाता है कॉस थीटा। अब क्या करेंगे इसको, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है तो ये तो हमको RHS में मिल रहा है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। चेंज अगर दूसरा मान रहता तो चेंज कर सकते थे, लेकिन दूसरा लाना नहीं, यही लाना, तो इसको छोड़ देंगे और हमको चेंज करना है नीचे वाला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो मेरा RHS आ गया, लेकिन अगर इस टाइप में सजा कर लिखना है तो इसका भी पावर 2 और इसका भी पावर 2, तो क्या करेंगे, सबको घेर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बाटा में हो जाएगा कॉस थीटा, और इस सबको घेर कर पावर 2 लिख देंगे। सो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का स्क्वायर है, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड RHS, और ये हो जाएगा इस तरह से रूट। इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे, LHS को क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण कर देंगे। हरों का परिमेयकरण करने तो आसान है, क्या करते हैं, नीचे वाले चिन्ह को उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस है तो क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस कर लेंगे तो सेम कर लेंगे, ऊपर जो रहेगा वो नीचे, गुना करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे क्या कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। और ऊपर वाला में पावर जब बेस समान रहता है तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, तो पावर क्या किए, ऐड कर दिए, और या इसको गुना कर देंगे तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ये तो मेरा RHS में मिल रहा है, और ये हमको चेंज करना है क्योंकि कॉस लाना है। अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जैसे है वैसे ही इसको छोड़ देंगे। उसके बाद ये जैसे वैसे छोड़ देंगे, और ये इस पर भी पावर 2 और इस पर भी पावर 2, तो दोनों को घेर कर पावर 2 लिख देंगे और RHS लिख देंगे। इस तरह से ये पहला हिसाब सोल्व हुआ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। ये LHS से जैसे बनाया है ना, वैसे इसको RHS से भी बना सकते हैं, ठीक है। RHS पे क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा था, उसको क्या करते हैं कि स्क्वायर तोड़ते, ठीक है। अब स्क्वायर करते तो लिखते 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाता। उसके बाद कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर होता, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर तोड़ते, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर में था 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो उसको दो बार लिख सकते, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दो बार। और उसको क्या करते हैं, उसको भी बता ही देते हैं क्या करेंगे, जब यहाँ LHS के बदले RHS लिखेंगे, RHS क्वेश्चन नंबर 17 दूसरा टाइप बताते हैं। तो RHS क्या है, 1 माइनस साइन थीटा और बाटा में है
कॉस थीटा, ये स्क्वायर है। अब क्या करेंगे कि ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर अलग अलग तोड़ देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और बाटा में कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये पावर कॉस स्क्वायर में है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये का पावर कितना भी करेंगे तो पावर तो 1 ही रहेगा, तो क्या कर लेंगे इसको स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे पावर जैसे है वैसे ही ऊपर वाला को छोड़ देंगे और बट्टा में क्या करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी कर देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा और हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्या करेंगे ये पावर से इसको काट देंगे, बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर एल एच एस प्रूफ। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि एल एच एस से आर एच एस ला सकते हैं और आर एच एस से एल एच एस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये तीनों क्वेश्चन एल एच एस से आर एच एस भी ला सकते हैं और आर एच एस से एल एच एस भी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर। 18 में क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर परिमेयकरण कर लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेंगे जैसे अब ऐसे छोड़ देंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर, अब इसको क्या कर लेंगे एक साथ जोड़ देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आर एच एस प्रूफ रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्या होगा ये 18 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, 19 में कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको ये बताया ना 17 का आरएचएस से एलएचएस, उसी तरह ये एलएचएस से आरएचएस बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे आरएचएस से एलएचएस दोनों नियम बता दिए हैं, जिस पर मर्जी उस पर बना सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं एलएचएस से आरएचएस इसको भी लेते चलते हैं, ठीक है। और आरएचएस से एलएचएस भी बन सकता है, तो इसको क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर बराबर। अब क्या करेंगे हमको लाना है 1 प्लस, ऊपर वाला को छोड़ देंगे जैसे है वैसे ही, क्योंकि 1 प्लस कॉस में तो कॉस में छोड़ देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ देंगे 1 प्लस कॉस थीटा ये जैसे है इसको छोड़ देंगे और इसको तोड़ देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर कितना भी करेंगे एक ही रह जाएगा, तो क्या कर लेंगे 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी और एक हो जाएगा ए प्लस बी। अब क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इससे ये पावर कट जाएगा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आरएचएस आ गया। सो इस तरह से मेरा आरएचएस प्रूव हो गया। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।